अस्सलाम वालेकुम सर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने कुछ ख्यालात का इजहार। माशाल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब लिखता है बंदा या बोलता है मेरी तरह का बंदा, तो हाथ भी कांपते हैं और ज़बान भी कांपती है। एक शेर है, वहाँ से हम आगाज़ करेंगे। मेरे हाथों और मेरे होंठों से खुशबू जाती नहीं, मेरे हाथों और मेरे होंठों से खुशबू जाती नहीं, कि मैंने इसमें मोहम्मद लिखा बहुत, चूमा बहुत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद ही पढ़ लें। इस तरह कुछ शेर मैं और सुनाऊंगा, वहाँ से आगाज़ करेंगे। किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, तो नक्शे हस्ती उबर ना सकता, वजूद लोहो कलम ना होता, ये महफिल कुन फुका न होती, जो वो इमाम उमम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजब न होता। ये पूरी कनात अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। कुरान मजीद में भी इरशाद बारी ताला है, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लम की हस्ती में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खसूसियत बयान की है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसा अमली नमूना है कि जिसमें हर तरह से हुसन और ख़ूबसूरती है। और जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली ज़िंदगी की पैरवी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी हसीन और ख़ूबसूरत बन जाएगी। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से ये बात अच्छी तरह यहाँ होती है कि चाहे ज़माना अमन हो या ज़माना जंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत हैं। हुजूमे यास हिरमा में वो एक कामिल मोहब्बत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद आदम में एक मुकम्मल तरीन और अफजल तरीन इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़िंदगी का एक एक पहलू कामलियत और अफजलियत का हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर लिहाज से सब इंसानों के मुकाबले में अफजल वाला है। जब हम बैसियत सिपसलार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो इस लिहाज से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमयाब सिपसलार और एक अजीम मुजाहिद और रहनुमा के तौर पर हमारे सामने आते हैं। अहद जाहिलियत की जंगें तहजीब व तमदन से यकसर आ रही थीं। दुरान जंग बूढ़ों, औरतों और छोटे मासूम बच्चों तक को कत्ल कर दिया जाता था। अगर दुश्मन के मरने के बाद भी जोश इंतकाम ठंडा ना पड़ता तो औरतों के पेट चाक कर दिया करते हैं, यहाँ तक कि मुर्दों की खोपड़ियों में शराब पिया करते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हर तरफ जुल्म, बर्बरियत, जहालत, वहशत, बदअमनी और फसाद का दौर दौरा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों को हरगिज़ पसंद ना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलारे लश्कर के लिए ज़रूरी करार देते कि वो अपने साथियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए और खौफ इलाही से अपने दिल को हर वक्त मुनव्वर रखे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलारे लश्कर को बेहतरीन हिदायत दिया करते हैं। मुजाहिदीन को सरसब्ज दरख्तों के काटने, लहलहाते खेतों को पामाल करने और कैदियों पर मुजालम करने से मना फरमाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज जहाद का हुक्म ही ना फरमाया करते थे बल्कि ख़ुद भी अव्वल तो आखिर जहाद में शरीक रहते हैं। बच्चे इसको गौर सुने, जो मैं नबी पाक की फजाइल पेश कर रहा हूँ, देखिए कौन है, इसको आपने गौर सुनना है। वैसे भी बैसी तो मुसलमान में नबी पाक के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता है आपको कि नबी पाक ने कितनी जंगों में खुद हिस्सा लिया? ऊँचा बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही। 29 थे, 27 थे, बाज़ किताब में 27 है, बाद में 29 है, लेकिन जवाब करेक्ट 29 ही है। 29 है, अच्छा, इसलिए मैंने याद है इनिशियल में 29 नहीं है, 27 नहीं, 29 है, 29 है, ठीक है। और इन जंगों में सबसे मतलब मुश्किल मकाम में नबी पाक खुद शरीक होते थे, मुश्किल मकाम पे
खुद होते रहते थे, दुश्मन के करीब था रसूल होते थे। आप सब ने मैदान जंग में बहादुरी दलेरी का अमली मजारा पेश किया, जंग ओहद की मिसाल हमारे सामने है। इस जंग में जख्मी होने के बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहादुरी मुस्तकिल मिजाजी का सबूत दिया और पहाड़ की मानिंद अपनी जगह पर कायम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल हालात में साबित कदम और पुरअज़म रहते। तारीख अगर ढूंढेगी मिसानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। इस तरह ग़ज़वे बदर की मिसाल भी हमारे सामने है। ग़ज़वे बदर की ज़बरदस्त फतह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ नहायत उम्दा बर्ताव किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कैदियों के लिए लिबास का इंतज़ाम किया। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक का सबूत मिलते हैं। हमें महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अफजल सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को संवारने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसी में हमारी फलाह और तरक्की का रास पोशीदा है, रास्ता है। काश मैं उड़ता फिरूं खाक मदीना बनकर, काश मैं उड़ता फिरूं खाक मदीना बनकर और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए। एक दो प्यार से सल पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, जितने भी सुनते हैं मुझे कसर से दुरूशी पढ़ा करें। कामयाबी का राज दुरूद शरीफ है और दुरूद इब्राहिमी की अपनी फजीलत है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अभी आगे कुछ दिनों के बाद रबीउल अव्वल का महीना मुकद्दर शुरू होगा और रावलपिंडी में देखने वाला होते हैं। लाहौर रावलपिंडी बड़े खुसूसी ये शहर, वैसे पूरे पाकिस्तान में नबी पास मोहब्बत करने में लोग मौजूद हैं, लेकिन स्पेशली मैं पिंडी को बड़ा सुरूर मिलता है। महफिलों में जाता हूँ मैं, बहुत लुत्फ़ आते हैं। हमारे दोस्त हैं खावर भाई, खावर भाई नात पढ़ते हैं बड़ी अच्छी, तो इनको मैं मदु करूँ, किया मैंने पहले भी किया है, दोबारा भी मैं मदु करूँगा और इंशाल्लाह आएंगे हमारी एकेडमी में आगे नात पढ़ेंगे। पाकिस्तान लेवल के नात खान हैं, बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ने प्यारी आवाज़ से नवाजे आपको। तो आप में से कोई बच्चा नात पढ़ते हैं, नात सीखें? अच्छा, नात पढ़ना सीखें। शेर कितने पढ़े हैं मैंने, कोई याद है कुछ जितने सुनाए अभी आपको? कौन कौन से याद हैं जी? सुनाएं, आप सुनाएं। क्या नाम है बेटा आपका? दानियाल, हरीपुर से बचा है। काश मैं उड़ता फिरूं हाके मदीना बनकर, काश मैं उड़ता फिरूं हाके मदीना बनकर और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुनें, ये बच्चा हमारा आया है रहीमुल खान से आया है। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, बच्चे सुनाओ कौन सी शेर मैंने सुनाया, सुनाए आप। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुम्बत खजरा जो है उसका साया नहीं है, साया नहीं है, आप जाके देख साया नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ें बेटा, ये अब्दुल्ला एबटबास से आए हुए जी, पढ़ें बेटा शेर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत हैं। हजूमे यास हरमा में वो एक कामिल मोहब्बत है। मोहब्बत है, मीम पे क्या है, ज़बर है, मोहब्बत नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे भी मोहब्बत पढ़ते हैं, असल तलब उसके मोहब्बत है, बुलंद नहीं होता बुलंद होता, बेबे क्या ज़बर है जी। नेक्स्ट जो मैंने बातें की हैं कैसी लगी? ये हम जा रहे हैं कि इस्लामाबाद का एरिया था, ये F6 से हम गुजरे थे और सुपर मार्केट अभी आपको दिखाई है F6 की, सॉरी F6 से फिर हम जा रहे हैं ये आगे मरी रोड की तरफ, 6 रोड की जानब जा रहे हैं।
खूबसूरत मनाज़र आपके सामने हैं। किताब फितरत के सर वर्क पर जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ये महफिल कन फुका न होती जो वो इमाम उमम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजब न होता। मेरे हाथों और मेरे होंठों से खुशबू जाती नहीं, मेरे हाथों और मेरे होंठों से खुशबू जाती नहीं कि मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा बहुत, चूमा बहुत। जी मोजिस ख़वातीन हज़रात, मेहनत करें, मेहनत ही हमारा मैसेज है। पाकिस्तान से अगर मोहब्बत करते हैं ना, सच्ची मोहब्बत, तो हर शख्स मेहनत करें, जो जो जहाँ जहाँ पे जो जो काम कर रहे हैं खुलूस के साथ करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत का ये प्रूफ है कि आप मेहनत करें। अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है जो मेहनत करते हैं, मेहनती शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला तवक्कल करने वाले से मोहब्बत करते हैं और मेहनती शख्स से मोहब्बत करते हैं। तो मेहनत करें, मेहनत का दर्स है हमारा। और मुलाकात कीजिए मेरे से, रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ इस टाइम। सामने जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें। जो बच्चे फोर्सेस की तैयारी करना चाहते हैं ज़रूर आएँ। इसके अलावा तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी हम कोशिश करें। अभी तहसीलदार PCS की तैयारी के लिए, CSS की तैयारी के लिए, जहाँ जो भी तैयारी करना चाहता है, चाहे कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम हो फोर्सेस के अलावा भी, तो रब्ता करें इंशाल्लाह। ऑनलाइन हमने स्टार्ट की हुई है, ऑनलाइन ग्रुप है CSS का, तो इसके अलावा भी ऑन ग्राउंड भी अभी क्लासेज होंगी इंशाल्लाह। स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो माशाल्लाह अच्छी अच्छी मैडम्स हैं हमारे पास अकेडमी में, तैयारी करवा रही हैं। तैयारी आपको करनी चाहिए, मेहनत करें। हम मेहनत कराते हैं, आपने मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे। पूरे पाकिस्तान से आते हैं बच्चे, इंशाल्लाह मेहनत करें। नोट्स ही मंगवाएं मेरे से, इनिशियल के ISSB के दोनों नोट्स मंगवाएं। इनिशियल वाले नोट्स आपको फोर्सेस के हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं नोट्स को चेंज करता रहूँ, बदलता रहूँ। पानी भी अगर एक जगह ठहरता है ना, तो उसमें बदबू आ जाती है। तो इसलिए कोशिश होती है कि आए रोज़ कुछ ना कुछ नया करें। तो अल्लाह ताला ने जज्बा दिया मेहनत का, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों ने, मेहनत करनी है। और यही पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार है कि हम मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व असहाबिही वसल्लम।